अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस ज़रीन अनीस। टुडे आई एक्सप्लेन यू कंपाउंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन। ये केपीके की बुक के क्वेश्चन हैं, कुछ मेरे पास हैं बुक के पेज, तो फिर मैंने उसको देखा और मुझे लगा कि कंपाउंड प्रोपोर्शन को बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए। थोड़ा सा एक टिपिकल टॉपिक है, कामरान खान टसूरी की जो अभी हमारा टेस्ट हुआ था उसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन में मेरे अपने बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें समझाएं। तो फिर मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया और मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरो मेथड क्या है। एरो मेथड में ये इंक्रीजिंग एरो है, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। जब दोनों एरो एक पोजीशन में होंगे तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड। लेकिन जब दोनों एरो डिफरेंट पोजीशन में होंगे तो वो इनवर्स वेरिएशन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 कंपोजर्स टाइप अ बुक ऑफ 75 पेजेस इन 5 डेज। 10 लिखने वाले या टाइप करने वाले एक्चुअली हैं, ये 75 पेजेस की बुक 5 दिन में टाइप करते हैं। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में। सेम कंपोजर्स टाइप अ बुक का 45 पेजेस। अच्छा भाई, कंपोजर्स चेंज नहीं हुए, ठीक है, सही, सिर्फ डेज मालूम करने हैं। 75 से 45 हो गए। अब कंपोजर्स तो जाहिर ही है, डेज कम कर लेंगे और स्पीड भी कम कर लेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंपोजर, ठीक है। कंपोजर हमारे पास 10 है और दूसरे कंपोजर भी 10 ही है, 10, नेक्स्ट भी 10। देन हमारे पास क्या है, पेजेस 75 और 45। जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है वो पहली थी 5, दूसरी थी x। इन दोनों का हम वेरिएशन चेक करते हैं। 75 पेजेस 5 दिनों में जब टाइप होंगे तो 45 पेजेस ऑब्वियसली कम दिनों में टाइप होंगे, ठीक है। और हमें पता है कि हम अपना जो अननोन क्वांटिटी का एरो है वो हमेशा अपवर्ड ही रखते हैं। ये है आपके पास हेड है और ये टेल है, इट मींस ये इंक्रीज हो रहा है हर जगह, ठीक है। ये कम है, ये ज़्यादा, लेकिन हो सकता है किसी जगह आपको उसको ज़्यादा नहीं बोलना पड़े, कम बोलना पड़े और ये ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब इन दोनों का देखते हैं, सेम कंपोजर्स हैं, डायरेक्ट वेरिएशन ही करेंगे। अब हमारे पास है 10 ऑब्लिक 10। टेल को पहले लिखते हैं, हेड को बाद में, दोनों सेम है, एक जैसा लिख लिया। टेल को पहले लिखते हैं, हेड को बाद में, ठीक है। टेल को पहले लिखते हैं, हेड को बाद में, दिस वन एंड दिस वन सेम ही है। 10 मल्टीप्लाई 45, 10 75 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू x। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 9 ज़ा 45 5 15 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। आपके पास आंसर क्या आया, 3। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।